सो हाय गाइस, दिस इज पुनीत त्यागी, योर ग्रूमिंग कोच। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि मॉडलिंग करना चाहते हैं या फिर मॉडलिंग में इंटरेस्टेड है। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, बहुत सारे डाउट्स मुझे कमेंट्स में, मैसेजेस में आते रहते हैं लोगों के कि ये चीज़ कैसे होगी मॉडलिंग में, ये चीज़ कैसे होगी, पोर्टफोलियो क्या होता है, डाउट्स, बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं। तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन एंड आंसर वाली एक सीरीज़ में निकाल देता हूँ, जहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स हैं उनके बारे में, मैं जितने भी आपकी क्वेरीज हैं उनको मैं सबको सॉल्व करूँगा यहाँ पर वीडियो में। 4 से 5 क्वेश्चंस में पिक किया करूँ। सो अगर जो आप भी कोई डाउट क्लियर करवाना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है जो कि आप चाहते हो मैं जिस पर बात करूँ, उसको मुझे आप कमेंट में बता सकते हो अभी। और नेक्स्ट जो भी मेरी वीडियो होगी क्वेश्चन एंड आंसर वाली, उसमें मैं उसके ऊपर बात करूंगा, उस डाउट के ऊपर बात करूंगा। बाकी अगर जो आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे मॉडलिंग से, फैशन, फिटनेस, ग्रूमिंग से रिलेटेड, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो। पुनीत त्यागी ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है। वो कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई कर सकूँ, उतने ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करूँ। बात तो सही है। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। बाकी बिना किसी विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मैं क्वेश्चन पिक करूंगा मैं अपनी मॉडलिंग वाले वीडियोज में से करूंगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सुदर्शन कार्तिक का, और उसने मेरे से पूछा हुआ है कि एजेंसी कौन सी है दिल्ली में जो कि सबसे बेस्ट है। अब इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो आपने मॉडलिंग अभी स्टार्ट की है और स्टार्ट नहीं भी की है, सोच रहे हो मॉडलिंग करने की, तो यार अभी एजेंसीज के बारे में सोचना बंद कर दो। सबसे पहले फोकस सिर्फ अपनी लुक्स पर करो, अपनी पर्सनैलिटी पर, ड्रेसिंग सेंस, पोजिंग, एक्सप्रेशन, इन सब की प्रैक्टिस करो, इस पर फोकस करो। अगर जो आप एजेंसीज में इनिशियली फोकस करोगे तो रियलिटी ये है कि इतनी जल्दी एजेंसीज किसी को पिक नहीं करती है, इतनी जल्दी आपको नहीं लेगी एजेंसी, अनटिल एंड अनलेस आपकी जो लुक्स है वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वो मजबूर हो जाए आपको लेने में। तो इनिशियली आपको फोकस नहीं करना है एजेंसीज पे, क्योंकि एजेंसीज के नाम पे स्कैम इतने ज़्यादा चल रहे हैं। और इस चीज़ की मैं श्योरिटी लेता हूँ कि किसी ना किसी के चक्कर में आप आ ही जाओगे। कोई आपसे बोलेगा 50,000 रुपये दे दो, पंजाबी सॉन्ग आ रहा है। कोई एजेंसी आपको बोलेगी कि 60,000 रुपये दे दो, मेंबरशिप कार्ड आपको मिल जाएगा। कोई आपको कुछ बोलेगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते आप लोग तो दादे। तो मैं नहीं चाहता कि वो नुकसान आपका हो लाखों में बिना बात का। तो बेटर रहेगा कि आप अपने लुक्स पर काम करो, आप कोशिश करो कॉन्टैक्ट्स बनाओ, फ्रीलांसिंग मॉडलिंग करो, यानी कि आप खुद के कॉन्टैक्ट्स बनाओ, डिजाइनर से बात करो, कोऑर्डिनेटर्स, इन सब लोगों से मिलो, बातचीत करो, और तब जाके आपको जो काम मिलेगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा जो आपको एजेंसी देगा। क्योंकि एजेंसीज आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनिशियल लेवल पे होती है, जो फेक एजेंसीज होती हैं, वो नकली काम देती हैं, आप ही से पैसा लेती है और आपको कुछ शूट का पैसा दे देती है, तो उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। तो ये एक सिंपल एंड शॉर्ट आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का। अब जो दूसरा डाउट यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो है श्रुति दावे का, जो कि पूछ रही हैं व्हाट मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर मॉडलिंग, यानी कि मॉडलिंग में आने के लिए, मॉडल बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। तो देखो यार, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर जो आप 12th पास हो, 12th पास नहीं भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मॉडलिंग में। बट हाँ, कुछ पीजेंट्स होते हैं यानी कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन मैटर करती है। अदरवाइज़ अगर जो आपको डिज़ाइनर शूट्स करने हैं, मैगजीन वगैरह में जाना है, या फिर बेसिकली अगर जो आपको प्रिंट, कमर्शियल, रैंप, रनवे, इस टाइप के अगर जो आपको शूट्स करने हैं, इनके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। और सिंपल और सरल भाषा में अगर जो बताऊं कि अगर जो आपको पीजेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना, यानी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो आपको क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यार देखो, इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ये है कि आपको कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप 12वीं पास भी हो तो भी आप एक मॉडल बन सकते हो। आप चाहे डॉक्टर हो, कर्नल हो, IAS, कोई भी हो, आप एक मॉडल बन सकते हो। क्वालिफिकेशन का कुछ लेना देना नहीं होता है इसमें। एक ही चीज़ होती है कि आपकी लुक्स कितनी यूनिक है, कितनी अलग है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो स्टेज पे आप कितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को, वो सबसे मेन चीज़ होती है। तो क्वालिफिकेशन के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि जौन सी भी आप लैंग्वेज पे आपकी कमांड हो, आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप हिंदी में बात करो, चाहे इंग्लिश में बात करो, तो एक लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा एक फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा खेल है कॉन्टैक्ट्स बनाने का, और जब आप कॉन्टैक्ट्स बनाने जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी। अब साथ के साथ इसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन एक ये भी होता है बहुत ज़्यादा कि यार क्या इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो भाई, इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है। आपको वॉक करना है, आपको फोटोज़ क्लिक करवानी है, तो मेन चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी और आपके लुक्स, आपका फेस। आप वहाँ पर बोलने नहीं जाओगे, स्टेज पर खड़े होगे, आपको बोलना नहीं है, आप ओरेटर नहीं हो, आप कोई स्पीच नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी का कुछ लेना देना नहीं है। अब जो तीसरा क्वेश्चन यानी कि जो तीसरा डाउट है उनको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, यानी कि दो क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। एक है DN Skater, YouTube पे इनका नाम DN Skater है। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेरी एज 17 साल है, क्या मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। वहीं दूसरा क्वेश्चन है साहिल सारसवा का,
जिनकी एज 38 है और वो भी यही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यार अगर जो एज की मैं बात करूँ तो एज का कोई बैरियर नहीं है। हाँ थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे कि अब जैसे कुछ शूट्स होती है जहाँ पर मैच्योर्ड लुक वाले बंदे की ज़रूरत होती है, मैच्योर्ड लुक वाले मॉडल की ज़रूरत होती है, ऐसे में ऐसा बंदा जो कि 35 भी है या चाहे 37 है, अब आपने दिनेश मोहन का नाम सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी वायरल हैं, 65 एज है और उसके बाद भी वो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 16-17 साल के भी हैं और उनको अच्छा काम मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप छोटी एज के हो या फिर आप बहुत बड़ी एज के हो तो आप मॉडल नहीं बन सकते हो। डिपेंड करता है कि क्या आप उस पर्टिकुलर मॉडलिंग रोल में सेट हो पा रहे हो, फिट हो पा रहे हो। अगर जो आप हो पा रहे हो तो फॉर श्योर आपको काम मिलेगा, अगर तो नहीं हो पा रहे हो तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आपको नहीं मिलेगी। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। तो अब जो फोर्थ डाउट यानी कि जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है अनीश कोनेरी का, और इनका क्वेश्चन ये है बेसिकली कि कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाएं, मॉडलिंग में आगे कैसे बढ़ें। तो यार देखो बहुत बेसिक से रूल है, इसके ऊपर मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव और बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो। लेकिन बहुत सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाने हैं। आपको इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट्स बनाने, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बड़े बड़े डिज़ाइनर्स, कोऑर्डिनेटर्स, डायरेक्टर और जितने भी मॉडलिंग एक्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो सब इंस्टाग्राम पर हैं। बस आपको बहुत सिंपल तरीके से अपने इंस्टाग्राम को पोर्ट्रे करना है, यानी कि आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट रेगुलर डालनी है, बहुत अच्छी डालनी है। आजकल आपका इंस्टाग्राम ही आपका पोर्टफोलियो है, यानी कि अगर जो आपने अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डाली हुई हैं, अपनी प्रोफाइल दिखा रखी है सब कुछ कि आपने क्या क्या काम किया है क्या नहीं किया, तो वहीं से आपके कॉन्टैक्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब वो ज़माना चला गया जहाँ पर आप एजेंसीज के पास अपनी फ़ोटोज़ लेके जाओगे या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हो और उसको बता रहे हो कि देखो ये मेरा ये फाइल है, इसके अंदर मेरी इतनी फ़ोटोज़ हैं, ये मेरे पे। अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट्स बनाना बहुत आसान है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। आपको बेसिक सी दो तीन चीज़ें करनी है, जैसे कि आपको जो भी आपके फेवरेट मॉडल्स हैं, मेल मॉडल्स आपके शहर के या फिर इंडिया लेवल के, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ प्रथमेश की, तो प्रथमेश की प्रोफाइल पे जाओ या फिर आप साउथ हसन अली के प्रोफाइल पे जा सकते हो, आप जितिन खरबत जो कि मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं उनकी प्रोफाइल पे जा सकते हो। अब वो जो शूट्स कर रहे हैं वो फॉर श्योर लोग टैग करते हैं ब्रांड को, कोऑर्डिनेटर को, स्टाइलिस्ट को और उन सब लोगों को जो कि उस समय उनके साथ शूट पर थे। और आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जिनको उस पर्टिकुलर मॉडल ने फॉलो किया है और उनको बताना है बहुत तरीके से कि आप एक मॉडल हो, उनसे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, हाय हेलो करना है, सीधा काम नहीं मांगना, सीधा मैसेज नहीं करना कि भाई काम दे दो, ऐसे कोई नहीं करता और ऐसे कभी ज़िंदगी में काम नहीं मिलेगा। तो आपको इसी तरीके से धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। अगर जो आपकी ट्यूनिंग किसी के साथ अच्छी बैठ रही है, आपकी कोई दोस्ती यारी हो रही है तो आप उससे मिल के आओ और ऐसे करके आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जल्दी में आपको अगर जो आप रहोगे तो एक भी शूट नहीं मिलेगा, चाहे सालों निकल जाए, कभी कभी टाइम लगेगा यार। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैंने 4 क्वेश्चंस जो है पिक किए थे, अगली वाली वीडियो में भी मैं 4 से 5 क्वेश्चंस पिक करूंगा। तो आप अपने डाउट्स क्वेश्चंस नीचे कमेंट में मुझे बता दो या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस और जितने अच्छे क्वेश्चंस बता पाऊँ उतना ज़्यादा मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।